हेलो टकर्स, वेलकम टू पॉकी यूनिवर्स। हाँ पता है, इतने दिनों के बाद वीडियो आई है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि लॉकडाउन में मुसीबतें तो जैसे हमारे पीछे ही पड़ गई थी। पहले फ़ोन ख़राब, देन काइंड मास्टर में प्रॉब्लम, पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। लेकिन अब वीडियो आ गई है और टॉपिक भी बहुत हटके है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कितने दिनों से ये बोलना चाहती थी, यूनिवर्स लगाओ इंट्रो। को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है टॉप 5 डेमन स्लेयर स्वॉर्ड्स पे। जिन्होंने डेमन स्लेयर नहीं देखा है, मैं उन्हें बता दूं कि डेमन स्लेयर एक ऑसम एनिमे है जो कि सेट की गई है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे डेमन स्लेयर कॉर्प्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जापान को डेमन से प्रोटेक्ट करती है। और हर एक डेमन स्लेयर के पास एक स्वॉर्ड होती है जिसे निचिरिन ब्लेड भी कहा जाता है। तो एक ऐसे यूनिक ऑर से बनी होती है जो कॉन्स्टेंटली सनलाइट अब्जॉर्ब करता रहता है, जो डेमन्स की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। निचिरिन ब्लेड एक अलग कलर लेती है जब उसका ओनर उसे पहली बार छूता है। ऐसा कहा जाता है कि हर कलर स्वॉर्ड को एक अलग ताकत देता है। तो बहुत डिटेल में समझा दिया है, अब बढ़ते हैं हम अपने टॉप 5 डेमन स्लेयर स्वॉर्ड की तरफ। तो इन स्वॉर्ड्स के कुछ ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो हम इन्हें कलर से ही बुलाएंगे। तो स्वॉर्ड नंबर 5, इंडिगो ग्रे स्वॉर्ड। इंडिगो ग्रे स्वॉर्ड डेमन्स को स्ले करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और इसका कलर बीस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इस प्लेट का ओनर है इनुसुके हाशिबीरा। इनुसुके अपने पास दो इंडिगो ग्रे स्वॉर्ड रखता है। इनुसुके ने पहाड़ों में रहने के बाद अपने अंदर ब्रेथ ऑफ बीस्ट की एबिलिटी को डेवलप किया है। और ये स्वॉर्ड दिखने में भी बहुत यूनिक है। एक्चुअली इसका डिजाइन नॉर्मल स्वॉर्ड जैसा ही था, बट इनुसुके ने पत्थर का इस्तेमाल करके स्वॉर्ड को अपना मनपसंद डिजाइन दिया है, तो इसलिए ये स्वॉर्ड नंबर 5 पे अपनी जगह बनाती है। स्वॉर्ड नंबर 4, येलो निचिरिन ब्लेड। वन ऑफ द विच बिलोंग्स टू जिनेत्सु सिंबलाइजेस थंडर। जी हाँ, ये स्वॉर्ड थंडर को रिप्रेजेंट करती है और इसका डिजाइन तो देखो यार, कितना कमाल का है। भले ही जिनेत्सु का सेल्फ एस्टीम थोड़ा कम हो, लेकिन जब वो अपने असली पावर का इस्तेमाल करता है तब वो बहुत ऑसम होता है, मतलब सबके होश उड़ा देता है। जेनेत्सु के ब्लेड के ऊपर एक थंडर का सिंबल है जो कि इस ब्लेड को सबसे यूनिक बना देता है। हालांकि हमें ये पता नहीं कि जेनेत्सु के ब्लेड ने ये सिंबल क्यों लिया है, लेकिन ये दिखने में बहुत ऑसम लगता है। तो अपने कमाल के डिजाइन और पावर के वजह से ये ब्लेड नंबर 4 पे आती है। तो स्वॉर्ड नंबर 3, ब्लू निचिरिन ब्लेड। ये ब्लेड इस सीरीज में दिखाई गई सबसे पहली ब्लेड है। इस ब्लेड का ओनर है गियो टोमियो का, जो कि डेमन स्लेयर कॉर्प का वाटर पिलर है। गियो बैटल्स में वाटर ब्रीथिंग स्टाइल का यूज करता है। इसे एफर्टलेस मोशन से यूज करने के बावजूद भी ये ब्लेड डेमन्स को इजीली हरा सकता है। और इस ब्लेड ने फादर स्पाइडर डेमन और रिक को एक ही बार में हरा दिया था। आप सोच ही सकते हो कि ये ब्लेड कितनी ताकतवर होंगी, हालांकि गियो भी इतना ही ताकतवर है, तो इसलिए ये स्वॉर्ड नंबर 3 पे अपनी जगह बनाती है। स्वॉर्ड नंबर 2, रेड निचिरिन ब्लेड। तो इस ब्लेड के ओनर है क्यूजुरो रेंगोकू, जो कि फायर पिलर है। रेड निचिरिन ब्लेड फ्लेम को रिप्रेजेंट करती है। क्यूजुरो ने बहुत मेहनत करके कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्निक्स और स्वॉर्डमैनशिप सीखी है। उनका मानना है कि जो लोग पहले से ही ताकतवर होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि वो कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करे। रेड पिलर की ये बात मुझे बहुत पसंद है। एज ए हाशिरा, क्यूजुरो एक बहुत पावरफुल स्वॉर्डमैन है, तो आप समझ ही सकते हैं कि उनकी स्वॉर्ड कितनी ताकतवर होंगी। जेनेत्सु के ब्लेड की तरह ही क्यूजुरो के ब्लेड पे भी एक यूनिक फ्लेम का पैटर्न बना है जो कि बहुत ऑसम दिखता है। क्यूजुरो बैटल के दौरान फ्लेम ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करता है। और मैं इसके बारे में क्या बोलूं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, क्यूजुरो एज ए हाशिरा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में से सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन है और इसके साथ उनकी स्वॉर्ड भी बहुत पावरफुल है, तो इसलिए रेड निचिरिन ब्लेड को नंबर 2 पे रखना तो बनता ही है। तो जो स्वॉर्ड नंबर 1 पे आती है वो है ब्लैक निचिरिन ब्लेड।
तो इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, ये स्वॉर्ड इस लिस्ट के सभी स्वॉर्ड में से सबसे हटके है। ब्लैक निचिरिन ब्लेड एक मिस्टीरियस ब्लेड है। इस सीरीज का मेन कैरेक्टर तांजीरो कमाडो, जो कि हम सबका फेवरेट है, वो इस स्वॉर्ड का ओनर है। ब्लैक निचिरिन ब्लेड किसको रिप्रेजेंट करती है ये अब तक किसी को नहीं पता है। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ब्लैक निचिरिन ब्लेड को बहुत ज्यादा रेयर माना जाता है। और क्या आपको पता है, एज अ डेमन स्लेयर जो इस ब्लेड को यूज करता है उनके पास लॉन्ग लाइफ जीने की टेंडेंसी नहीं रहती। तो दोस्तों, अगर आपने इस पे अच्छा रिस्पांस दिया तो ब्लैक निचिरिन ब्लेड की मिस्ट्री क्या है और ब्लैक निचिरिन ब्लेड का मतलब क्या है, या फिर ब्लैक निचिरिन ब्लेड का कलर ब्लैक क्यों है, इस पे भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो अच्छा रिस्पांस देना। और अगर आप सोच रहे हैं कि ब्लैक निचिरिन ब्लेड के ओनर्स वाटर ब्रीथिंग का यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तांजीरो वर्सेस रुई वाले एपिसोड में तांजीरो ने फायर ब्रीथिंग का भी यूज किया था। और अगर आप सोच रहे हैं कि तांजीरो ने तो फायर ब्रीथिंग एक ही बार यूज की है, तांजीरो तो हमेशा वाटर ब्रीथिंग यूज करता है, तो इसका रीजन ये है कि तांजीरो को वाटर ब्रीथिंग साकोन जी ने सिखाई है, जो कि गियू के पहले वाटर पिलर थे, इसलिए तांजीरो वाटर ब्रीथिंग का सबसे ज्यादा यूज करता है। और अब रही बात उनकी, जो कह रहे हैं कि तांजीरो ने तो रुई को हराने के लिए इतनी मेहनत की बट वो रुई को हरा नहीं पाया, और गियू ने तो रुई को बिना कुछ किए आसानी से हरा दिया। तो गाइस, सब कुछ स्वॉर्ड्स पे ही नहीं रहता, उसके यूजर्स के एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड होता है। और हमें ऐसा लगता है कि तांजीरो को रुई वाले बैटल में अच्छा एक्सपीरियंस होता तो रुई उसके सामने एक सेकेंड भी नहीं टिक पाता। और वैसे भी हमारी वीडियो स्वॉर्ड्स पे है, तो नंबर वन प्लेस के लिए ये स्वॉर्ड एकदम परफेक्ट है। और उम्मीद करते हैं कि डेमन स्लेयर के सीजन 2 में इस स्वॉर्ड को और भी ज़्यादा ताकतवर दिखाया जाए। तो आज की वीडियो यही तक थी। हाँ, पता है इस बार हमने अलग एनिम पे वीडियो बनाई है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके कहा था कि डेमन स्लेयर पे वीडियो बनाओ। तो अगर आपने इस पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो हम डेमन स्लेयर पे और भी एनिमेजिंग वीडियो बनाएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन सब शॉर्ट में से आपकी फेवरेट शॉर्ट कौन सी थी, और ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो गाइस, प्लीज हिट द लाइक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और शेयर तो करना ही है। तो गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।